मैं नोम के घर गया। नोम घर पर बिल्कुल अकेला था। नोम ने मुझे जानबूझकर उसी टाइम पर बुलाया था जब नोम के माता पिता घर पर नहीं थे, और मैं भी यही चाहता था कि नोम मुझसे बिल्कुल अकेले में मिले ताकि मैं नोम के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकूं। दोस्तों, नोम मुझे अपने कमरे में ले गया। दोस्तों, नोम मेरे कज़न का बेस्ट फ्रेंड था, जो कि मैंने इस स्टोरी के पार्ट फर्स्ट में आपको बताया था। जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक इस स्टोरी के पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा, वो दोस्त पहले पार्ट फर्स्ट को देख लें ताकि आपको मेरी स्टोरी अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों, मैं नोम के घर पर फर्स्ट टाइम गया था। मुझे नोम के घर का ड्रेस तो मालूम था, लेकिन नोम के घर के अंदर मैं फ़र्स्ट टाइम ही आया था, क्योंकि दोस्तों इससे पहले तो मेरा नोम के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। ये सब मेरे साथ फ़र्स्ट टाइम हो रहा था। नोम का घर दिखने में काफ़ी अच्छा था। नोम के कमरे में एक बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक कंप्यूटर था। मैं भी उसी बेड पर बैठा हुआ था। नोम बाहर से आकर मेरे साथ बेड पर बैठ गया और मुझसे बातें करने लगा। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मच रही थी। मैं खुशी के मारे बिल्कुल कांप रहा था, क्योंकि दोस्तों ये वो पल था जिसका मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। लेकिन अब मैं मन ही मन में ये सब चीज़ें सोच रहा था कि अब मेरे साथ क्या होगा, या फिर हम दोनों अभी थोड़ी देर बाद क्या करेंगे। ऐसे ही कुछ सवालात मेरे दिमाग में चल रहे थे। नोम मेरे साथ बिल्कुल सिंपल सी ही बातें कर रहा था। नोम ने बातों ही बातों में मेरे हाथ को पकड़ लिया और मेरे हाथ को सहराते हुए मुझसे बातें करने लगा। अब मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। दोस्तों, बातों ही बातों में नोम ने मुझे अपने गले से लगा लिया। नोम से आने वाली खुशबू मुझे पागल बना रही थी। मुझे नोम को छूकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि दोस्तों मेरी ज़िंदगी की बहुत ही बड़ी ख्वाहिश जो थी वो आज पूरी होने वाली थी। जो चीज़ें मैं सपने में देखा करता था, आज वो मेरे साथ हकीकत होने वाला था। मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। दोस्तों, अब नोम ने मेरे कपड़े उतारे और मेरी ख्वाहिश को पूरा करने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन नोम ने बहुत ही प्यार से मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। दोस्तों, मेरी ख्वाहिश पूरी होने में तकरीबन आधा घंटा मुझे लगा, बट दोस्तों ये आधा घंटा मेरी ज़िंदगी का बहुत ही हसीन पल में से एक पल था, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल का भी सामना करना पड़ा। लेकिन वो मुश्किलात भी मैंने प्यार से बर्दाश्त कर ली और अपने पल को बहुत ही अच्छे से गुजारा। ये सब करने के बाद नोम भी काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था, जबकि नोम ऐसा वैसा लड़का नहीं था। वो लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, ना ही कभी हमने नोम के बारे में कोई ऐसी वैसी बात सुनी थी। लेकिन मेरी मुलाकात के बाद नोम काफ़ी ज़्यादा मुझे खुश दिखाई दे रहा था। दोस्तों, थोड़ी ही देर में हम दोनों दोबारा से फ्रेश हो गए और बिल्कुल आम सी बातें करने लगे। दोस्तों, अब मुझे डर लग रहा था कि कहीं नोम मेरे कज़न को मेरी आज की मुलाकात के बारे में ना बता दे। मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा था और मैंने ये बात नोम से भी शेयर की। मैंने नोम से बोला कि हमारी आज की मुलाकात का मेरे कज़न को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे। दोस्तों, नोम ने मेरे साथ वादा किया कि वो हमारी आज की मुलाकात का बिल्कुल भी किसी को नहीं बताएगा। ये हम दोनों का एक सीक्रेट था। दोस्तों, अब थोड़ी देर गुजर चुकी थी। अब नोम का दोबारा से दिल चाह रहा था कि वो मेरे साथ फिर से मेरी ख्वाहिश को फिर से पूरा कर दे, लेकिन मैं इस समय थोड़ा नर्वस था और फिज़िकली तौर पे मैं अभी बिल्कुल तैयार नहीं था। लेकिन नोम के इरादे मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। वो मुझे दोबारा से मनाने लगा कि उसका दोबारा से ये सब करने को दिल चाह रहा है। लेकिन दोस्तों, मेरी बॉडी में थोड़ा सा दर्द था, जिसकी वजह से मैं अभी ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैंने नोम को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की कि आज ये सब मुमकिन नहीं है, हम फिर कभी ये सब कर लेंगे। अब तो वैसे भी मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ, तुम मुझे जब चाहो इस काम के लिए बुला सकते हो। लेकिन दोस्तों, नोम मुझे उसी टाइम पर ये सब करने के लिए
काफ़ी ज़्यादा मजबूर कर रहा था और वो मुझे बोल रहा था कि आज तो उसके पास काफ़ी ख़ास मौका है क्योंकि आज उसके माता पिता घर पर नहीं हैं, फिर पता नहीं ऐसा मौका कब मिले। मैंने उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की लेकिन नोम मेरी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वही सब प्रोसेस उसने मुझे दोबारा से मेरे साथ करना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे इस बार थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे बदन में थोड़ा दर्द था और मेरा सर भी काफ़ी ज़्यादा भारी सा फील हो रहा था। मैं ज़हनी तौर पे भी थोड़ा रिलैक्स नहीं था लेकिन नोम को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, वो बस मेरे साथ अपनी ख्वाहिश को दोबारा से पूरा करना चाहता था। उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश की बट जब मैं नहीं मान रहा था तो उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और वो अपने काम में मसरूफ़ हो गया, यानी कि वो फिर से मेरे साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करने लगा। दोस्तों, उसने आधा घंटा फिर से मेरे साथ गुजारने के बाद मुझे बोला कि अब मैं वहाँ से चला जाऊँ क्योंकि शायद उसके माता पिता आने वाले हैं। दोस्तों, मैं वहाँ से फ्रेश होकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। अब मैं अपने घर पर आ गया था, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी क्योंकि दो दफ़ा मेरे साथ ये सब हो चुका था। अब मेरा सर भी काफ़ी ज़्यादा भारी फील हो रहा था बट किसी को भी मेरी कोई परवाह नहीं थी। मैं घर पर आके सोचने लगा कि नोम ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया क्योंकि जब मैं उससे दूसरी बार में मना कर रहा था लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैंने उसे प्यार से भी बहुत दफ़ा समझाने की कोशिश की बट वो मेरी किसी भी बात को नहीं समझ रहा था, उसे सिर्फ़ अपनी ख्वाहिश की फ़िक्र थी। अब मैं ये सोचने लगा कि शायद वो मेरा कभी भी एक अच्छा दोस्त ना बन सके क्योंकि दोस्ती में तो सबसे अहम फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि जब वो मेरी किसी फीलिंग्स को या दुख दर्द को ही नहीं समझ सकता तो ऐसी दोस्ती का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो सिर्फ़ अपने मतलब की खातिर मेरे साथ दोस्ती रखना चाहता था, दोस्ती में तो ये सब नहीं होता ना। अब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था और काफ़ी ज़्यादा डबल माइंडेड भी था कि अब मैं नेक्स्ट टाइम नोम से नहीं मिलना चाहता था क्योंकि नोम से अब मेरा दिल भर चुका था, उसने मेरी बात ना मानकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख दिया था। दोस्तों, इस सब के बाद तकरीबन 2-3 दिन मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही। मैंने ख़ुद को बड़ी मुश्किल से कवर किया क्योंकि दोस्तों मेरी उम्र इस समय काफ़ी ज़्यादा कम थी और नोम मुझसे उम्र में 5-6 बरस बड़ा था और वैसे भी मेरी नोम से तो ये पहली दोस्ती थी। इससे पहले मैंने कभी भी किसी लड़के से ऐसी कोई दोस्ती नहीं की थी। नोम को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ और मेरे साथ किसी भी किस्म का सलूक करने से पहले सोचना चाहिए था। दोस्तों, नोम मुझे दोबारा मिलने का बोल रहा था लेकिन मैं अब नोम का फ़ोन नहीं उठा रहा था क्योंकि अब मुझे नोम से डर लगने लगा था। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं इस स्टोरी का पार्ट 3 बनाऊं जिसमें दोबारा से नोम से मिलने की और साथ मेरा कज़न भी, ये सब स्टोरी बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चाहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें ताकि आपके दोस्त भी मेरी स्टोरी से एंटरटेन हो सकें और मेरी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। चलिए जी दोस्तों, अब मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ओके जी, बाय बाय।